नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन तिवारी और स्वागत है आपका पहले चैनल शुभ गुरुकुल। मित्रों, आप लोगों ने अब तक काफी चीजें सीख ली थी, जैसे कि पेन का कलर चेंज करना, पेन की साइज चेंज करना, पेन की स्पीड चेंज करना, पेन को फॉरवर्ड चलाना, बैकवर्ड चलाना और उसको पोजिशनिंग करना, गोटो कमांड का यूज करना और ऐसी चीजें आपको राइट करना मैं भी बता दिया था। और राइट करने के लिए मैं कुछ फॉन्ट को बताने वाला था आज, और आपको एक होमवर्क दिया था जो कि जहाँ तक मुझे याद है कुछ ऐसा सा आपको कुछ कुछ ऐसा आपको एक HW आपको दिया था जो कि आपको बनाना था। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे यह विश्वास है कि आप काफी ज्यादा आलसी हैं, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं और बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हर नए वीडियो, नए ट्यूटोरियल आपको मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ और अपने बंधुजनों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। सो ये तो हो गई थोड़ी बात। अब मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ वो जान ले, उससे पहले अब टाइम आ चुका है इंट्रो का। लेट्स मूव करते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्या क्या देख लिया था वो मैं आपको बता दिया हूँ, अब मैं बताता हूँ कुछ कुछ और बातें। जैसे कि एक बुक होती थी जिसको मैं बताया था कि एक बुक है और एक पेन है जिससे कि हम लोग लिखते हैं। तो हमने पेन के बारे में कई सारी चीजें कर ली थी, इसका साइज घटा बढ़ा लिया था, स्पीड चेंज कर लिया था और कलर भी चेंज कर लिया था। ठीक, अब देखो कला बनाने के लिए काफी सारी चीजें होती हैं कि हम लोग हमेशा अलग अलग कलर चेंज करते हैं, लेकिन तो ज़्यादा से ज़्यादा केस में जो हमारा पेपर होता है वो क्या होता है, वाइट होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो पेपर है उसमें भी कुछ कलर चेंज करें और इसके भी कुछ पेपर का भी जो कुछ साइज होता है, जैसे A4 होता है ना, ऐसा कुछ साइज देने की पिक्सल में यहाँ पर होगा, तो साइज भी कुछ चेंज करें, तो कुछ कुछ चीज़ें करें जिससे कि हमको भी पता चले कि भाई कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही सब बातें आपको जान पाएंगे और साथ में पेन का हम लोग शेप बदलेंगे। इसका कुछ मैं इसका इंक साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। और आज एक चीज और इसमें सीखेंगे, शेप बदलना पेन का। तो पेन का शेप क्या क्या चीज हो सकता है, आप तो एक नॉर्मल से पैसा देखते ही होंगे, तो इसके अलावा एक शेप और होता है, टर्टल होता है। तो अब तक टर्टल नाम सुन रहे थे, अब मैं टर्टल से सारा काम करवाऊंगा और शेप बदल कर टर्टल कर दूंगा। तो आप लोग देखेंगे कि टर्टल शेप कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं शेप बदल कर दिखाता हूँ। तो अपने मैं कंपाइलर यानी कि सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, और आप लोग अगर मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल पर कंपाइल करते हैं, तो आप लोग वेब ब्राउजर पर जा सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मोबाइल या फिर किसी भी वेब ब्राउजर से आपको बिना कोई अननेसेसरी ऐप इंस्टॉल किए बगैर आप अपनी फाइल सेव कर सकते हैं और वहाँ पर यूज कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा और या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ अपने कंपाइलर पर। तो जैसे कि हमेशा आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना होता है, इम्पोर्ट करना होता है। किसको इम्पोर्ट करना होता है, टर्टल को। उसके बाद में क्या बनाना होता है, वो क्या करना होता है, स्क्रीन को रोकने के लिए टर्टल डॉट मेन लूप को यूज़ करना होता है, जिससे कि स्क्रीन हमारी रुकी रहती है। और उससे पहले बाकी सारे कोड क्या लिखते हैं, हम बीचों बीच में लिखते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखेंगे। ठीक, तो अब मैं क्या बनाने वाला हूँ, पेन। पेन इज इक्वल टू टर्टल डॉट कैपिटल टी टर्टल ब्रैकेट और एंटर। ठीक, अब एक पेन बन गया। अब अभी मैं आपको जन करके दिखाता हूँ। तो आप लोग देखेंगे कि ये सिंपली एक हल्का ट्रायंगल जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा। अब इसका हम लोग शेप चेंज कर देंगे, शेप कैसे चेंज करेंगे, पेन डॉट शेप। अब शेप को जैसे मैं करूँगा तो उसे कई सारे शेप के नेम आ जाएंगे। तो एक क्लासिक शेप होता है, जो लोग जो नॉर्मल शेप हम लोग अब तक देख रहे हैं वो शेप क्लासिक है। इसके अलावा एरो, टर्टल, सर्कल और स्क्वायर, ट्रायंगल, ऐसे चार पांच शेप हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको दिखाई दे तो इसके लिए मैं जूम कर दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इनको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर दें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक, मैं टाइप कर देता हूँ टर्टल और मैं रन करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टर्टल बनकर आ गया है।
स्ट्रक्चर का हम जैसे कि नॉर्मल हम पेन यूज़ करते थे वैसा भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैसा पेन चलता था वैसे ये भी चलेगा। तो अगर हम पेन डॉट फॉरवर्ड करते हैं या पेन डॉट सर्कल करते हैं, और सर्कल किसने रेडियस का 100 का कर देते हैं और मैं रन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक रेडियस 100 रेडियस का क्या बन गया, सर्कल बन गया। किसने बनाया? टर्टल। और इसका हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पेन डॉट साइज भी चेंज, सॉरी से नहीं साइज होगा, पेन डॉट पेन साइज। तो ये सारी कमांड आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी कमांड याद हो जाएंगी। और पेन डॉट पेन साइज मैं इसको 5 कर देता हूँ, 10 ही कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा और विजिबल रहेगा। और पेन डॉट स्पीड, स्पीड करना कर दें, हाँ इसलिए 5 कर देता हूँ, क्योंकि 1 पर स्लोवेस्ट हो जाता है और 10 पर फास्टर और 0 पर फास्टेस्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे स्पीड को 5 कर देंगे। अब रन कर देते हैं तो अब बढ़िया है थोड़ा सा, लेकिन जो ये सेफ है तो थोड़ा सा 10 से जो इसका 10 साइज उसको 5 कर देते हैं, 4 कर देते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा क्वालिटेटिव रहेगा, चलो बस इतना अच्छा है। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्रीन का जो है उसमें थोड़ा सा छेड़छाड़ करूँगा कि स्क्रीन को कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि ये अपना क्या है, नोटबुक है ना, कि जो स्क्रीन है वो क्या है, स्क्रीन है, ठीक। अब स्क्रीन जो ये है तो जैसे कि अब मैं इसको 720 पिक्सल बाई 720 करना चाहता हूँ, या फिर कुछ और करना चाहता हूँ, 720 रहेगा, इसको मैं क्या कर देता हूँ 1280, जो स्टैंडर्ड साइज होती है यूट्यूब या फिर किसी भी वीडियो के लिए ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो फिर कैसे करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसके लिए एक कमांड होती है, कमांड को मैं लिखता हूँ, जैसे कि अब स्क्रीन बनाने के लिए सबसे पहले स्क्रीन बनाते कैसे हैं, अगर कोई इनको स्पेशल सेटअप करना है तो स्क्रीन क्या लिखेंगे, स्क्रीन इक्वल टू टर्टल डॉट स्क्रीन, और ये एस क्या रहेगा, कैपिटल में, ठीक। अब स्क्रीन इक्वल टर्टल डॉट स्क्रीन कर दे, अब स्क्रीन को हमें क्या करना है, सेटअप करना है, स्क्रीन डॉट सेटअप, क्या सेटअप करना है, पिक्सल। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1280 और 720, तो क्या होगा 1280 और 720 का क्या बन जाएगा, स्क्रीन बन जाएगी। अब साथ में उनको क्या बैकग्राउंड भी चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए क्या होता है, स्क्रीन डॉट, तो आप घर बढ़ाई नहीं बिल्कुल, मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिससे कि आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, मुझे विश्वास है कि आप काफ़ी पेश करना ज़्यादा पसंद करेंगे, ब्लैक, ठीक। तो स्क्रीन डॉट बीजी कलर का मतलब था, बीजी का मतलब हो गया बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, ठीक। तो अब इसको कोड करके भी देख लेते हैं, भाई हम लोग पेन ला देते हैं, अब इसको समझो मैं पेपर यहाँ पर ले लेता हूँ, स्क्रीन बाद में कर दूंगा, टर्टल डॉट स्क्रीन, देखो यहाँ पर मुझे अगर दिखा रहा है ऑप्शन तो मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिखाता तो आपको यस को कैपिटल एस रखना है, नहीं तो एरर बिल्कुल आएगा, तो आप इन बातों को बहुत ध्यान से रखें, नहीं जैसे कि मैं यहाँ पर स्माइल एस कर दूंगा तो फिर एरर आ जाएगा, तो आपको इस बातें ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या कर लिए, एक पेपर ले लिए, अब पेपर को क्या करना है, पेपर डॉट सेटअप करना है, सेटअप में क्या करना है, इसी के मैं क्या, तो इसमें विथ और हाइट आ गए, तो विथ को मुझे क्या करना है 720 करना है, और हाइट को क्या करना है, नहीं विथ को 1280 करना है, देखते हैं क्या होता है, और हाइट को 720 कर देते हैं और फिर रन करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन जैसी आ गई है, क्योंकि इसका बार 1280 और 720 हाइट और विथ होती है, तो बिल्कुल फिट टू फिट स्क्रीन है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी स्क्रीन आ गई। तो इसकी स्क्रीन में थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ, क्योंकि 1280 रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मैं 720 कर देता हूँ। और अब क्या करता हूँ, रन करना चाहिए, पेपर का कलर चेंज कर देता हूँ, पेपर डॉट बीजी कलर, और इसमें आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से पिक भी लगा सकते हैं, फिलहाल मैं ब्लैक कर देता हूँ कलर, और पेन का भी कलर चेंज कर लें, पेन डॉट पेन कलर रेड पेन कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन और फिर रेड से लिखा जाता है, थोड़ा सा देखने में मज़ा आता है कि वाह क्या चीज़ है। तो अब समझ लो प्योर कोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे ऐसे आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते रहेंगे। तो इस बात पर आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि YouTube के एल्गोरिथम को पता चलता रहे कि भाई
वीडियो को जो व्यूवर्स देखते हैं तो इन्जॉय करते रहते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती। तो जिससे कि मेरे वीडियोस को और ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेगा, तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैं आपको कुछ ट्यूटोरियल में बात कर रहा था, जो लास्ट वाला था, जैसे कि मुझे एक सर्कल यहाँ पर बनाना था और एक सर्कल यहाँ पर बनाना था। तो जैसे कि जब मैं सर्कल यहाँ से वहाँ तक लेकर आ रहा था, बीच में ऐसे ऐसे ये जो टर्टल पेन होता था वो लिखता जाता है, तब मुझको ये लाइन नहीं चाहिए तो कैसे लिखना। जैसे कि मुझे एक शेप यहाँ बनाना है और नीचे क्या लिखना है, सर्कल, ये सर्कल यहाँ स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर के नीचे क्या लिखना है, स्क्वायर। तो इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे? अब जैसे कि यहाँ पर एक सर्कल मैंने बनाया और यहाँ पर मुझे जाना है स्क्वायर बनाने, तो क्या होता था कि ये हमेशा ऐसे ऐसे चलता जाता है, लेकिन तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए ना, क्योंकि पेन को जब हम लिखते हैं ना तो पेन को घसीटते हमेशा थोड़ी ना कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पेन को अप करना होगा। तो अप यानी कि बहुत सिंपल कमांड है, पेन अप और पेन डाउन दो कमांड होती हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा पेन डाउन होता है, पेन अप होता है पेन को अप करने के लिए और पेन डाउन होता है पेन को डाउन करने के लिए। तो इस कमांड का भी यूज़ करके हम देखते हैं। और इसके बाद में पेन डॉट राइट कमांड का और अच्छे से यूज़ करेंगे, इसमें मैं फॉन्ट और बोल्ड करने कैसे कैसे करते हैं और फिर फॉन्ट को बढ़ाते कैसे हैं, छोटा कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ अभी। तो लेट्स गो। और जैसे कि एक सर्कल मैं यहाँ बना दिया, ठीक। अब ये जो सर्कल का पिक्सल है उसको मैं 50 कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा बने, 50, हाँ चलो 30 कर देता हूँ। जैसे कि मैं 100 का 0 पर आकर एक और सर्कल बनाता हूँ 30 रेडियस का, तो क्या होगा, एक सर्कल बना और एक दूसरा सर्कल बन गया। तो ये शेप तो अच्छे बना, लेकिन तो मैं चाहता हूँ कि जो ये बीच वाला ये लाइन आ रही है बीच में, ये लाइन ना आए, तो इसके लिए कैसे कोड करेंगे? इसके लिए हमको कोड करने की क्या जरूरत है, पेन डॉट सर्कल लिख दें। अब इसको अब किसी के 100, 0 से जाने से पहले मैं क्या कर देता हूँ, पेन को अप कर देता हूँ, पेन डॉट अप। अब पेन अप कर दिया, अब आप देखेंगे कि वहाँ जाएगा लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो ऐसे ऐसे चलता हुआ, लेकिन तो पेन डाउन नहीं था तो कुछ लिखा नहीं। अब 100, 0 पर पहुँच गए और पहुँचने के बाद में क्या करना पड़ेगा, पेन डॉट डाउन। अब जो हमारा सोच रहे थे वो देखो अब कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको चार सर्कल बनाना है ऐसे ऐसे, कलर भी चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको आसान लग रही होंगी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको गलतियाँ थोड़ी कम होंगी और नई नई चीज़ें आप बना सकते हैं, कई सारे सर्कल एक साथ बना दे सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको बार बार कोड लिखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ये पेन सर्कल हमको बार बार लिखना पड़ता है। तो ऐसे हम आगे के वीडियो में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि लूप का कैसे यूज़ करते हैं। अब लूप का मतलब आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होंगे, लूप क्या होता है, लूप का मतलब सर्कल होता है ना, लूप का मतलब ऐसे कुछ लूप होता है। अब लूप में क्या होगा कि जैसे कुछ कमांड होती है तो उसको हमको बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, अब बार बार लिखेंगे नहीं तो उसके लिए हम कुछ कमांड होती है उनका यूज़ करेंगे जो एक डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम बार बार रिपीट होते रहेंगे, जिससे कि वो सारे काम होते रहेंगे एक से ज़्यादा बार। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आप क्या क्या देख लें एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिविजन करवा देता हूँ कोड का। सबसे पहले इम्पोर्ट क्या करना है, टर्टल को इम्पोर्ट कर देना है, फिर स्क्रीन यानी कि पेपर हम लोग सेटअप करेंगे, पेपर का सेटअप कर दिया 720x720 पिक्सल का, इस बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिए। यहाँ पर मैं जब आपको कोड दूंगा तो फिर यहाँ पर मैं लिख दिया करूँगा, आप अपने रेफरेंस के लिए आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं बैकग्राउंड कलर। ये क्या होता है, ऐसा हैज करके लिखने से क्या होता है, जो कुछ आप लिखते हैं वो अपने रेफरेंस के लिए लिखते हैं, वो कोड के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं होता, उसमें जो कुछ भी आप लिख देंगे इसमें एरर भी कुछ भी नहीं आएगा। तो बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ पर और कुछ लिख देते हैं स्क्रीन सेटअप। तो इसे से आप खुद के रेफरेंस के लिए हिंदी में किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, स्क्रीन सेटअप करने के लिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी माध्यम से हैं और बिगिनर्स हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हिंदी में लिखूंगा, जिससे आपको समझने में थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ अभी तो आपको थोड़ा सा और चीजें सीखना है। क्या सीखना है आपको, कि फॉन्ट कैसे सेंड करते हैं और राइट कैसे करते हैं। तो राइट करने के लिए मैं कमांड तो पहले बता चुका था कि क्या करते हैं। मैं सबसे पहले सर्कल बनाने के बाद में
जैसे कि मैं सर्कल बना दिया ना, तो सर्कल बनाने के बाद में जैसे कि मैं दिखाता हूँ एक बार, जैसे तब ये पहला सर्कल यहाँ पर बना और दूसरा सर्कल यहाँ पर बना। मैं चाहता हूँ कि जो ये सर्कल बना है ना, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर लिख जाया जाए कि ये कहाँ पर है और ये सर्कल कहाँ पर है। जैसे कि ये यहाँ पर लिख जाए 100,0 और यहाँ पर लिख जाएगा 0,0। तो लिख कर देखते हैं कैसे लिखते हैं। ये आपके लिए अगेन होमवर्क है, मैं आपको लिखना बता रहा हूँ कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि ये किस पोजीशन पर है, इसके नीचे लिखना है थोड़ा सा 100, यहाँ पर लिखना है आपको 0,0 इस सर्कल के नीचे, और इस सर्कल के नीचे लिखना है 100,0। अब कैसे लिखेंगे वो आपको लिखना जरूर है। अगर आप लिखकर आप अपना फोटो को स्क्रीनशॉट को पोस्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और मुझे जरूर टैग करें, जिससे कि मुझे लगे कि आप लोग कुछ वर्क कर रहे हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि फॉन्ट कैसे चेंज करते हैं, बाकी चीज़ें कैसे चेंज करते हैं। तो अभी के लिए मैं 200,0,200 पे जाऊँगा, जिससे कि उसके ऊपर आपको लिख सकूँ। तो सबसे क्या करूँगा, पेन डॉट गो टू 0 यानी कि वाई एक्सिस, और 100 के लिए मैं 200 कर देता हूँ, 200 पे जाऊँगा। अब जाने से पहले क्या करना होगा, मुझे पेन अप करना पड़ेगा, पेन डॉट पेन अप, पेन अप कर देंगे और गो टू भी कर देंगे। तो पेन डॉट गो टू 0,200 हो जाएगा। अब इसको मुझे कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए क्या लिखते हैं, पेन डॉट राइट, राइट कर दो, राइट कर दो जो मैं कहूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ डू योर होमवर्क, अभी रन करके दिखाता हूँ एक बार ये, और वहाँ पर गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल भी छपा है और कुछ कुछ लिख दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉन्ट को थोड़ा सा मैं भी तो जूम करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आ रहा है कि यहाँ पर सर्कल छपा हुआ है। अभी सर्कल को हाइड कैसे करेंगे ये भी मैं अभी बता देता हूँ, सबसे पहले उसी को बता देता हूँ, उसके बाद में मैं इसका फॉन्ट बड़ा करने के बाद बताऊँगा, ठीक। तो जो मेन लूप होता है ना, हमेशा उसके जस्ट पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पेन डॉट एच टी कमांड का यूज करना है। इसका मतलब होता है हाइड टर्टल, इसका मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। आप एक बार मैं हाइड टर्टल पूरा लिख देता हूँ, और अब रन करेंगे, ये सर्कल बना, ये सर्कल बना, वहाँ पर जाएगा और देखोगे आप ये टर्टल हाइड हो चुका है। अब मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो लेकिन फिर भी जो ये लिखा हुआ है वो काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसको मैं बड़ा कैसे करूँगा। और ये 200,0 काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, तो इसको मैं 100,0,100 पे कर देता हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और फाइन करनी है, जैसे कि अलाइन करना होता है सबसे पहले। तो अलाइन आप लिखेंगे, तो अलाइन में आपको क्या लिखना होता है, मैं लिख देता हूँ सेंटर। और अलाइनमेंट कैसा होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है और सेंटर होता है। तो मैं अभी के लिए सेंटर कर देता हूँ, और फॉन्ट तो क्या कर देता हूँ, फॉन्ट इज इक्वल टू एक ब्रेकेट लगाएंगे और उसके अंदर आपको दिखा देता हूँ इसका एक्चुअल सिंटेक्स। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में। राइट करने के लिए क्या होता है, कमांड पेन डॉट राइट, हाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ जो लिखना है, ठीक। यहाँ पर जाएंगे कॉमा और यहाँ पर लिखेंगे अलाइन। अब ध्यान रखना आपको कि स्मॉल केस में ही रहना है, अलाइन इज इक्वल टू लगाना बिल्कुल नहीं बोलना, फिर ऐसे लगाना है। और इसके अंदर क्या लिखना है, सेंटर लिख सकते हैं, लेफ्ट लिख सकते हैं और राइट लिख सकते हैं। फिर यहाँ लगाना है कॉमा और यहाँ पर क्या लगाना है, फॉन्ट, और फॉन्ट इज इक्वल टू यहाँ एक आपको ब्रेकेट लगाना है और इसके अंदर फॉन्ट नेम लिखना है। अब आपको बहुत सारे फॉन्ट नेम पता नहीं होंगे, तो आप गूगल कर लो, या अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो आपको पता होगा। फिर यहाँ पर क्या लिखना है, फॉन्ट साइज, और यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है टाइप। अब टाइप का क्या अंतर है, ये बोल्ड है या इटैलिक, ठीक। तो अब मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, फॉन्ट में क्या लिख देता हूँ, अल्जीरिया। आप लोग नाम सुने होंगे अगर लैपटॉप यूज़ किया, तो फॉन्ट साइज कर देता हूँ 20 को, और क्या यूज़ कर देता हूँ, बोल्ड। ये देखेंगे अब आपको काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा, डू योर होमवर्क। अल्जीरिया शायद इस तरह सही ही होगी,
नहीं मैं कंफर्म कर लेता हूँ, ये अल्जीरिया नहीं अल्जीरियन होता है। और अब मैं आपको रंग कर देता हूँ, रंग करके दिखाता हूँ। तो ये अल्जीरियन में देखा तो आप देखेंगे काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं। तो अल्जीरियन और 24 अब यहाँ पर आप कम भी कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। मैं इसको इटैलिक करके आपको दिखाता हूँ इटैलिक करने पर क्या होता है। आप देखें कि थोड़ा सा इटैलिक में लिख जाएगा, तो देखेंगे ये इटैलिक में लिख गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे और आपको इन सारे कमांड का आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा कि आपसे मिस्टेक कम से कम हो। और मैं कर लिया हूँ प्रैक्टिस, मुझे आता है मतलब कि, तो आप मैं बहुत आराम से कर देता हूँ। लेकिन आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर लेनी होगी क्योंकि कभी आप हो सकता है कि कोई कामा भूल जाएंगे, कभी होगा कि सेमी कॉलन लगाना भूल जाएंगे, सेमी कॉलन कह रहा हूँ डॉट लगाना कभी भूल जाएंगे, कभी राइट लिखना भूल जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपसे होंगी, तो आप बिल्कुल घबराना मत कि ये सब रटना है आपको, रटना नहीं। आप थोड़ा दिन प्रैक्टिस करेंगे आपको सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, उसमें मैं आपको कुछ और नई चीज़ें सिखाऊंगा और साथ में आपको फॉर लूप का यूज़ करना बताऊंगा कि लूप कैसे हम लगाते हैं और कई सारे कमांड को कैसे एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर किसी भी टॉपिक पर या फिर किसी भी कमांड में आपको डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर कमेंट करके आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आप कुछ अपने हिसाब से नए चीज़ बनाए हैं, तो आप फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो खींच कर जरूर मुझे टैग कीजिए। और मैं आपको देखकर मुझे थोड़ा सा खुशी होगी कि आप मेरे वीडियो को देखकर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा मैं एक स्नैक गेम बनाया था, तो मैं स्नैक गेम आपको दिखा देता हूँ रन करके। ये है, तो इसको मैं बटन से खेल सकता हूँ, तो इसे मैं कई सारी चीज़ें आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक, तो अभी के लिए मैं बंद कर ले रहा हूँ हाई स्कोर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ट्विटर का यूज़ करके मैं गेम बना दिया हूँ, तो आप भी गेम बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब इतने सारे आप कोड को देखकर आप बिल्कुल घबराइए ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी बातें हैं, बच्ची बातें हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको सब चीज़ें आती जाएंगी। किसी को कुछ भी स्टार्टिंग से समझ में नहीं आता, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है, तो आप डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना होइए और मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि मैं आपको एक कोडिंग में थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा कि कोडिंग से क्या क्या चीज़ें होती है, जिससे कि आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एडवांस चीज़ें सीख सकते हैं, जिससे आपको डर नहीं लगेगा और आप नई चीज़ें सीखने में बिल्कुल नहीं घबराएंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ और बाय बाय, सी यू, गुड डे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।